टेस्ट में हार के बाद टीम इंडिया से अलग हुए रोहित और विराट। मैच खत्म होते ही लिया बड़ा फैसला। न्यूजीलैंड के खिलाफ पुणे टेस्ट मैच में मिले हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली मुंबई अपनी फैमिली के पास चले गए। वहीं टीम इंडिया समेत कोच गौतम गंभीर होटल के लिए रवाना हुए। सीरीज को तीसरा टेस्ट मुंबई के वानखेड़े में खेला जाएगा दोस्तों, ठीक है। मुंबई न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया को पुणे टेस्ट मैच में 113 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही टीम इंडिया तीन मैचों का सीरीज 2 पॉइंट से पिछड़ गई, ठीक है। दो बीच मैच जो होता है वो पिछड़ गया है, ठीक है, दो मैच। दूसरे टेस्ट में मिले हार टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा काफ़ी निराश थे। वहीं विराट कोहली भी बल्लेबाजों में पूरी तरह फ्लॉप रहे। ऐसे में तीसरे टेस्ट में पहले ये दोनों खिलाड़ी ब्रेक पर चले गए हैं। पुणे मुकाबले के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली मुंबई स्थित अपने घर फैमिली के साथ कुछ वक्त बिताएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल अपने परिवार के साथ मुंबई चले गए हैं। बाकी भारतीय खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के सदस्य रविवार को यहां पहुंचेंगे मुंबई में। 1 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा सीरीज मैच खेला जाएगा दोस्तों। इसके साथ ही खिलाड़ियों के तीसरे टेस्ट में पहले 2 दिन ब्रेक दिया जाएगा, ठीक है। तीसरे टेस्ट में ब्रेक के बाद जब टीम इंडिया के खिलाड़ी जब साथ होंगे तो 29 और 31 अक्टूबर को प्रैक्टिस सेशन में लेना अनिवार्य होगा। इस प्रैक्टिस सेशन में किसी भी खिलाड़ी को छूट नहीं मिलेगी। आमतौर पर यह देखा जा सकता है कि सीनियर खिलाड़ी और तेज गेंदबाज अक्सर चोट से बचने के अलावा वर्कलोड का मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस भी हिस्सा नहीं लेते हैं या हल्के ड्रिल में शामिल होते हैं। अनिवार्य प्रैक्टिस सेशन शायद इसलिए भी किया जाएगा क्योंकि टीम इंडिया को लगातार 18 सीरीज में जीत के बाद पहले हार मिली। ऐसे में टीम मैनेजमेंट आखिरी टेस्ट मैच के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, ठीक है। बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम ने भारत में पहली बार कोई टेस्ट सीरीज जीतने में सफलता पाई है दोस्तों, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ज़्यादा वीडियो को शेयर करना।